अब्दु बताते हैं शिव और निमृत को कि उनके देश में ईद कैसे मनाई जाती है, किस तरीके से अब्दु के देश में ईद का होता है सेलिब्रेशन। चलिए आपको बता दें पूरी बात अपने इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, अब्दु और शिव काफी बार ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि दिखाता है कि ये कितने ज्यादा क्लोज आपस में आ चुके हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल जो अब्दु है वो बता रहे होते हैं शिव को कि उनकी जो कंट्री है वहां पे ईद बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, सबके घर जाते हैं और उनको खाने के लिए अंडे, चॉकलेट ये सब चीजें दी जाती है और साथ ही साथ इन लोगों को नए कपड़े भी पहनने होते हैं। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब्दु के कंट्री में जो ईद का माहौल होता है वो काफी खुशनुमा होता है। और दोस्तों, शिव भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगते हैं जब वो अब्दु के कंट्री के ईद सेलिब्रेशन के बारे में सुनते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।